सो कैंसर के क्या लक्षण हैं, उसके समाधान क्या हो सकते हैं, और कैंसर के जो शुरुआत है कैसी स्थितियों से हो सकती है, कैसे हमें अंदाजा लगेगा, कैसे पता चलेगा। तो आज हम उन चीजों के ऊपर खुल करके बात करेंगे, और हम अपने कीवा की बास्केट से, कीवा की बहुत ही अनमोल जो हमारी प्रोडक्ट्स की रेंज है, एक्सक्लूसिव रेंज है, उनमें से कुछ बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट्स में से कुछ खास प्रोडक्ट्स को आज आपके बीच में प्रस्तुत करने का मुझे मौका मिला है। और ये प्रोडक्ट्स विशेष जो है, जो इस बीमारी, असाध्य बीमारी के साथ हम इसे जोड़ करके बातचीत करेंगे, ये अपने आप में बहुत ही टाइम टेस्टेड ये फॉर्मुलेशन है, और इसकी विशेष जो इम्पैक्ट है हमारे हेल्थ के ऊपर, इससे आप भली भांति परिचित होंगे। और ये वही सुंदर सा प्रोडक्ट है, वही विस्मयकारी प्रोडक्ट है, जिसने हमें कोविड के दौर में हम सबकी रक्षा की, हम सबको हेल्दी रखा और साथ ही साथ वेल्दी भी रखा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले तो हम आभार प्रकट करना चाहेंगे उस मैनेजमेंट का, जिसके माध्यम से इस प्रोडक्ट को हम सबके बीच में लाया गया, और ये प्रोडक्ट का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि इसी प्रोडक्ट ने हमारी जो सेहत को बेहतर रखा, हमारे परिवार को कुशल रखा, और हमें आज की दौर में जिंदा रहने के योग्य बनाया। क्या आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये बातें सही हैं, ये कीवा के सिल्वर प्लस ने हम सबको आज की जिंदगी दी और आने वाले कल को देखने का मौका मिला? अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो एक बार जरूर यस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ताकि हम एटलीस्ट जो है एक्नॉलेज कर सके, हम धन्यवाद ज्ञापन कर सके इस सुंदर से प्रोडक्ट का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके इस रिस्पॉन्स के लिए। चलिए दोस्तों, वक्त नहीं गंवाते और सीधा हम अपने मुद्दे की बात करते हैं। आज कैंसर की जब भी बात होती है तो दिल बिल्कुल सहम जाता है, शरीर जो है बिल्कुल सहम जाता है, और ऐसा लगता है कि काश ये कैंसर इस दुनिया में नहीं आई होती। दोस्तों, बात सिर्फ कैंसर की ही नहीं है, बात ऐसे बहुत सारी बीमारियों की हो सकती है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी और हमारी सेहत के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग सकती हैं। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो स्वास्थ्य की चिंता से चिंतित ना होगा, शायद ही कोई ऐसा धरती पे व्यक्ति होगा। चौबीसों घंटे में कोई ना कोई पल तो ऐसा जरूर होता होगा जिसे आप अपनी शरीर की और सेहत के बारे में कल्पना करते हैं, और बीमारियों का जब आपको स्मरण होता है तो एक बार आप चिंतित जरूर हो उठते हो। दोस्तों, जितनी सच और जितनी वास्तव हमारी जिंदगी है, उतनी ही कड़वी सच है कि आज हम, हमारी धरती, हमारी ये जो प्लेनेट है, यह भरी पड़ी है ऐसे बहुत सारे रोगाणुओं से, भरी पड़ी है ऐसे बहुत सारी बीमारियों से जिसके साथ हमें चलते रहना पड़ेगा। लेकिन चलने का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल लापरवाही के साथ चले, चलने का मतलब ये है कि हम इंतजाम करके चले, और इंतजाम क्या करने हैं आज उन्हीं चीजों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। सो दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बताऊंगा कि कैंसर एक ऐसी चीज है जो हर किसी के व्यक्ति के शरीर में होता है। आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने कौन सी बात कर दी, लेकिन ये सच है दोस्तों। कैंसर की जो सेल्स होती हैं, सबसे पहले आप समझ लें कि उसकी परिभाषा क्या होती है। परिभाषा ये होती है कि एनी अनवांटेड डिविजन ऑफ द सेल दैट लीड्स टू द कैंसरस ग्रोथ। शरीर के अंदर जो भी अनचाही जो कोशिका विभाजन होती है, वो आपको आने वाले समय में कैंसर की तरफ लेकर के जाती है। यही कैंसर की एक मेडिकेटेड डेफिनेशन है, यही चिकित्सा जगत की परिभाषा है। मतलब शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाओं का विभाजन होता है, ये तो आप समझ लें कि हमारे सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस करके एक कोशिकाओं के विभाजन की प्रक्रिया होती है, जबकि जेनेटिक सेल्स में मियोसिस होती है। माइटोसिस जो है वो शरीर की, संपूर्ण शरीर में होती है एक्सेप्ट जेनेटिकल सेल्स, और ये जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। हाँ, ये अलग बात है कि हमारी बचपन की जो अवस्था है, किशोरावस्था है या बाल्यकाल की अवस्था है, उसमें ये रेट यानी कि रफ्तार जो है ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं ये रफ्तार जो है थोड़ी धीमी जरूर हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी कुछ कारणों से, और ये कुछ कारण में बहुत सारे कारण आते हैं, मैं उसकी भी चर्चा करता हूँ, कई कारणों की वजह से ऐसा होता है कि हमारी शरीर जो है और शरीर की अंदरूनी संरचनाएं जो है अचानक से किसी खास किस्म के प्रभाव में आ जाती हैं, और अनचाही गति के साथ अपनी कोशिकाओं का विभाजन करने लगती हैं। और कोशिकाओं का विभाजन या तो शरीर के बाहरी अंगों में देखा जाता है या शरीर के अंदर की अंगों में देखा जाता है। ये कहीं भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकती है या इंटरनल हो सकती है, और इसकी जो जांच होती है वो हमारे ब्लड के माध्यम से होती है। कभी कभी उस इफेक्टेड एरियाज की बायोप्सी भी करनी पड़ती है, ताकि माइक्रोस्कोपिक व्यू के माध्यम से हम उस कैंसरस की ग्रोथ को हम मॉनिटर कर सके और कंफर्म कर सके। दोस्तों,
हर दिन 5 लाख से भी ज्यादा कोशिकाएं हमारी कैंसरस की प्रवृत्ति के साथ शरीर में पैदा होती हैं। हाँ जी, आप जितने भी लोग सुन रहे हैं और मैं, हर किसी के शरीर में 5 लाख से भी ज्यादा कोशिकाएं कैंसर की प्रवृत्ति के साथ पैदा होती हैं। लेकिन ताज्जुब की यह बात है कि शरीर को कुदरत ने इतनी अच्छे तरीके से बनाई है, स्वस्थ शरीर की मैं बात कर रहा हूँ, कि इस कैंसरस कोशिकाओं के पैदा होने के बावजूद हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है, यानी कि रोग प्रतिरोधक जो क्षमताएं हैं, वह इनकी रफ्तार में नियंत्रण लाती हैं और इसकी अनचाही गति को धीमी करती हैं और कंट्रोल कर करके इसके जो दुष्परिणाम है उससे हमारे शरीर को बचा देती है। यानी कि कैंसर और इम्यूनिटी का एक बहुत गहरा संबंध है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपकी अगर रोग प्रतिरोधक क्षमताएं अच्छी हैं, तो आपको कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों का, आप ये कह सकते हैं कि मुसीबत और चपेट से आप बच सकते हैं। लेकिन आज कईयों ऐसे कारण हैं, जैसे वातावरण में बहुत सारी जहरीली गैसेस हैं, वातावरण में बहुत सारे रेडिएशंस हैं, जिनकी वजह से, और इतना ही नहीं, हमारी जो भोजन प्रणाली है, जो फूड हैबिट्स हैं, उसमें कई ऐसे आर्टिफिशियल चीजें आ गई हैं जिसकी वजह से कैंसरस की एक्टिविटी शरीर में और ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी प्रबलता बढ़ जाती है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपके साथ पेश करता हूँ। हम सभी अपने अपने घरों में नेफ्थलीन की गोटियां इस्तेमाल करते हैं अपने टॉयलेटरी और बाथरूम में। अच्छी, कितने लोग हैं जो अपने बाथरूम में नेफ्थलीन, वो जो व्हाइट कलर की जो नेफ्थलीन की जो गोलियां होती हैं, वो इस्तेमाल करते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नेफ्थलीन की गोटियां कितने लोग हैं जो अपने अपने टॉयलेट और बाथरूम में इस्तेमाल करते हैं? आज मैं छोटी छोटी बात बताऊंगा आपको, लेकिन दोस्तों आज उस बातों का बहुत गहरा संबंध है हमारे शरीर के साथ। आप लिखने में संकोच ना करें। ओके, सो दोस्तों कुछ लोगों ने लिखा है कि हाँ हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, तो दोस्तों मैं आपसे कहूंगा कि उसे बंद कर दीजिए। ये जो नेफ्थलीन की गोटियां होती हैं, दैट कम्स अंडर कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट्स, मतलब ये वैसी प्रोडक्ट्स की श्रृंखलाओं में आती हैं जो कि कैंसर की प्रवृत्ति शरीर में बढ़ा देती है। हमारे पास बहुत ऐसे विकल्प है जिसके माध्यम से आप अपने बाथरूम की साफ सफाई और हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम नेफ्थलीन की गोटियों का ही इस्तेमाल करें। सो दोस्तों ऐसी बहुत सारी, ओके थैंक यू, कुछ लोगों ने लिखा कि नहीं होती है इसमें, ओके सो चले। और इतना ही नहीं, हमारे जो रूरल सेक्टर्स होते हैं, यानी कि एक तो अर्बन क्षेत्र होते हैं, दूसरे रूरल सेक्टर्स होते हैं, जहां पे घरों के निर्माण में, गृह के निर्माण में अस्बेस्टस का इस्तेमाल करते हैं। अस्बेस्टस वो आर्टिफिशियल चीजें होती हैं जिसके जो फाइबर्स होते हैं, उसे भी माना जाता है कि वो कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स होते हैं। सो दोस्तों ऐसे ऐसे कईयों कारण हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं, बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड हैं जिसमें कार्सिनोजेनिक की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो दोस्तों मेक श्योर कि आप जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन चीजों में वो कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज है या नहीं है, इसको सुनिश्चित कर लीजिए और उसके बाद आप उसका इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों ये तो थी बातें कि किन चीजों के माध्यम से हमारी कैंसर होने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। आपको मैंने ये भी बताया कि हर शरीर जो है इक्वली एक्सपोज्ड होती है हमारी कैंसर की संभावनाओं से। 5 लाख से भी ज्यादा कोशिकाएं हमारे शरीर में पैदा होती है और नष्ट होती है, हमारी इम्यूनिटी जो है उसे रोकती रहती है। अब दोस्तों कभी हालात ऐसी हो जाए कि कैंसर अगर हो ही गया, और अगर शुरुआती चरण में हमने अगर उसके लक्षण को पहचान लिया, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हम उस अनमोल जिंदगी को बचा सकते हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि वास्तव में हम उन चीजों को समझे कैसे, क्योंकि शुरुआती चरण में बहुत ज्यादा उसके जो लक्षण होते हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होते हैं। छोटे छोटे लक्षण के माध्यम से आपको समझना पड़ता है कि वास्तव में आप कैंसर की चपेट में आए हैं या नहीं आए हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कि अगर आपको टॉयलेट पास करने में, अगर आपको पॉटी करने में थोड़ा सा अनइजी फील होती है, या फिर यू फील लाइक हैविंग सम ब्लड ड्रॉपलेट्स, तो आप समझ लीजिए कि कुछ लक्षण हैं जिससे आपको परहेज करना चाहिए और इमीडिएटली जो है आप अपने फिजिशियंस को जरूर मिले। साथ ही साथ अगर आप शरीर के किसी भी हिस्से में अचानक से कोई स्वेलिंग महसूस करें और वो स्वेलिंग जो है 2-3 दिनों के अंदर सबसाइड ना करे, वो अंदर नहीं आता है, सामान्य नहीं होती है, तो जरूरत होती है कि आप अपने हेल्थ कंसल्टेंट से जरूर संपर्क करें। लगातार आपको माइल्ड पेन अगर आपके पेट में अगर होती रहती है, तो ये संकेत है कि मामला कुछ गड़बड़ है। अगर आप हमेशा बैक पेन महसूस करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि हड्डियों के अंदर से कुछ अजीब सी जो है दर्द की आभास और अनुभूति हो रही है, इसका मतलब है कि आपको जरूर से जरूर अपने हेल्थ कंसल्टेंट से बात करना चाहिए।
अगर आप सीजर का महसूस करते हैं, सीजर का मतलब है जैसे लोग उसे मिर्गी का नाम देते हैं, अलग अलग लोग, कई भ्रांतियां भी हैं, कई सोसाइटी के अलग अलग विचार भी हैं, लेकिन सीजर जो है अपने आप में एक मेडिकल एलिमेंट है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के कोलैप्स होने की वजह से होता है, लेकिन उसके कारण कई हो सकते हैं, कई सेकेंडरी रीजंस भी हो सकते हैं। उसके बाद अगर आप लगातार हर दिन हेडेक महसूस करते हैं तो आपको जरूरी है कि आप परामर्श लें। इसके बाद अगर आप मान लीजिए कि आपकी नाकों से ब्लीडिंग हो रही है और ये ब्लीडिंग हर एक निश्चित अंतराल पे अगर आपको हो रही है तो आपको जरूरत है कि आप अपने चिकित्सा जो हम आपके परामर्श देने वाले हैं उनसे आप बात करें। अगर आप हमेशा फिटिक महसूस करते हैं, आप हमेशा अगर टाइट फील करते हैं तो जरूरी है कि आप अपने जो कंसल्टेंट हैं उनसे बात करें। अगर आप फ्लू की शिकायत हमेशा बनती रहती है, अगर आप वॉमिटिंग की टेंडेंसी रहती है तो आपकी जरूरत है कि आप अपने सलाहकर्ता से बातचीत करें। अगर आप अचानक से अपने शरीर के वेट को कम होते हुए देख रहे हैं और उसका कोई खास रीजन नहीं पता चल रहा है तो जरूरत है कि ऐसी लक्षण और ऐसे सिम्टम से अपने आप को सावधान रखना। और अगर मान लीजिए कि आपकी आंखों में कोई या फिर ये कह सकते हैं आई साइट में कोई प्रॉब्लम्स हो रही है अचानक से, बिना किसी इंजरी बिना किसी बीमारी के अचानक से अगर विजिबिलिटी में कोई परिवर्तन आ रहा है तो जरूरत है आपको सलाह लेने की। अगर आपकी श्वसन क्रिया धीमी हो गई है तो जरूरत है आपको सलाह लेने की। ऐसे कईयों कारण हो सकते हैं दोस्तों, मैंने एक रफ आपको आइडिया दिया कि कई ऐसे लक्षण हो सकते हैं जिससे हमें सतर्क रहना है और इन चीजों को इग्नोर नहीं करना है। अब दोस्तों मैंने आपको परिभाषा भी बताया, इसे इसकी संभावनाओं को बढ़ाने वाले कई ऐसे चीज हो सकते हैं जिसके बारे में मैंने आपसे बताया। कुछ तो डोमेस्टिक चीजें होते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल चीजें होती हैं, और कुछ ऐसी भी चीजें होते हैं जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि इसके क्या लक्षण हो सकते हैं। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर किसी व्यक्ति विशेष को इसकी चपेट में अगर वो भी आ जाता है और शुरुआती लक्षण से अगर हमें पता चल जाता है और हम सही सलाह और सही सप्लीमेंट का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम उस अनमोल जिंदगी को बचा सकते हैं। दोस्तों सलाह लेना अच्छी बात है और सलाह पे अमल करना दूसरी बात है। सलाह लीजिए और अमल कीजिए, और साथ ही साथ कुछ शरीर को मजबूत करने वाली जो सप्लीमेंट है, और यह सप्लीमेंट कई तरीके से काम करती है, अगर आप उसका इस्तेमाल नियमित रूप से करते हैं तो आपकी रिकवरी की संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ जाती है। इसी प्रयास में कीवा कंपनी ने आज से नहीं बल्कि कई साल पहले से एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही पावरफुल पोटेंशियल प्रोडक्ट्स जो है आपके बीच में ला रखी है। ये प्रोडक्ट्स जिसके बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं उसका नाम है कीवा के सिल्वर प्लस, जो कि अपने आप में प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिल्वर प्लस है और इस पे किसी भी किस्म की साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर इसमें अगर इफेक्ट्स की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट्स है। पॉजिटिव इफेक्ट्स का मतलब है कि इससे आपको फायदे ही फायदे होंगे। खुशखबरी की बौछार, अब कीवा कार्बो इंडस्ट्रीज आ गया है आपके शहर में भी, जो सबसे भरोसेमंद ब्रांड नेम में से एक है और एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड के साथ दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक हेल्थ केयर कंपनी में से एक है। 600 से अधिक उत्पादों की विश्व स्तर की श्रेणी के साथ, जैसे वेलनेस ड्रॉप्स, सिरप, कैप्सूल्स, टैबलेट्स, FMCG, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक, होम केयर, पर्सनल केयर, कृषि तथा कई और। कीवा काइपो इंडस्ट्रीज एक अच्छा व्यापार का अवसर है और ये भारत सरकार के डायरेक्ट सेलिंग मानकों का पालन करता है। बेहतरीन उत्पाद और बिजनेस के लिए इसे अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कई सर्टिफिकेट्स और प्रमाण पत्रों से नवाजा जा चुका है। सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध स्पेशल ऑफर्स का जल्दी लाभ उठाएं। फ्रेंचाइजी के लिए आज ही संपर्क करें। हर प्रोडक्ट पर उपलब्ध बाय वन गेट वन फ्री ऑफर फॉर लाइफ टाइम और साथ में आपको 25% तक का मार्जिन भी मिलेगा। हमारे पास उपलब्ध दैनिक उपयोग के उत्पाद आपको मिलेंगे सबसे बेटर प्राइस में, जिन्हें कोई भी आसानी से रेफर कर सकता है। कृपया अपने नजदीकी शाखा में जाएं और आज ही ज्वाइन करें। हेल्थ केयर सेक्टर में तेजी से उभरता हुआ नाम कीवा इंडस्ट्रीज। ISO 9001:2015 सर्टिफाइड कीवा इंडस्ट्रीज, जिन्होंने पर्सनल केयर, होम केयर, वेलनेस, ब्यूटी, फूड प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर जैसे कैटेगरीज में 500 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स पेश किए हैं। इन प्रोडक्ट्स में शामिल है सप्लीमेंट कैप्सूल्स, पाउडर, जूसेस, ड्रॉप्स, हेयर केयर शैम्पू, ऑयल, क्रीम, ओरल केयर प्रोडक्ट्स, खेती में काम आने वाले उत्पाद, पशुओं के लिए प्रोडक्ट्स
और ढेर सारे कई उपयोगी उत्पाद। खास बात ये भी है कि ये सारे प्रोडक्ट्स हर्बल यानी आयुर्वेदिक हैं, जिनमें किसी भी तरह के हानिकारक केमिकल्स का उपयोग नहीं किया गया है। कीवा इंडस्ट्रीज एक वैध कंपनी है जो भारत सरकार के डायरेक्ट सेलिंग मानकों का पूरी तरह से पालन करती है। कीवा इंडस्ट्रीज को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे सर्टिफिकेट्स और पुरस्कारों से नवाजा गया है। कीवा इंडस्ट्रीज एक ऐसा नाम जिन्होंने करोड़ों लोगों को अपने साथ जुड़ने का मौका दिया है। तो आइए आप भी इस भरोसेमंद ब्रांड का हिस्सा बनिए। कीवा इंडस्ट्रीज के साथ जुड़िए।